त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विप्लब कुमार देब 9 मार्च को शपथ ग्रहण करने वाले हैं। देव की लीडरशिप में बीजेपी ने राज्य में पहली बार 35 सीटें जीती हैं। इसके अलावा बीजेपी के लीडर जिष्णु देव वर्मा नए डिप्टी सीएम होंगे। आपको बता दें कि आखिर कौन है विप्लब देव। उदयपुर में जन्मे 48 वर्षीय विप्लब देव पश्चिम त्रिपुरा की बनमालीपुर सीट पर विधायक हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी। उन्होंने त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से 1999 में ग्रेजुएशन किया। साफ सुथरी छवि वाले विप्लब पर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है और उनकी कुल प्रॉपर्टी 5.85 करोड़ है। बीजेपी पिछले 35 साल से राज्य में नहीं जीत पाई है, लेकिन अब बीजेपी राज्य में 0 से 35 सीट पर पहुंच गई है और इसकी वजह विप्लब है। विप्लब ने त्रिपुरा में जमीनी स्तर पर काम किया है। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि राज्य में लेफ्ट की सरकार 25 सालों से जनता को बेवकूफ बना रही है। यहाँ भरपूर नेचुरल रिसोर्स होने के बावजूद यह देश का सबसे गरीब राज्य है। उन्होंने वादा किया था कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो इसे मॉडल स्टेट बनाया जाएगा और वह अपनी इस बात को जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे।